देख सकते हैं कितने अच्छे गोल्डन बने हैं और क्रिस्प भी बने हैं। इसको हम तोड़ के दिखाते हैं आपको, ये देखिए आराम से ये टूट रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीषा है, वेलकम टू कार्डियो किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसा स्नैक जो कि लोग चाय के साथ और हल्की फुल्की भूख में खा सकते हैं। यह क्रिस्पी स्नैक आटे और बेसन से बनता है जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए जो हमें जरूरी सामान चाहिए होगा वो हमारे किचन में आसानी से उपलब्ध होता है। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप आटा, 1 टेबल स्पून बेसन, 2 स्पून ऑयल, नमक स्वादानुसार, 1 पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे हम, ज्यादा नहीं डालेंगे, रेड चिली पाउडर अगर आपके बच्चे खाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले लेंगे हम एक मिक्सिंग बाउल, इसमें डालेंगे हम अपना आटा, बेसन जो हमने लिया था, अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, दोनों आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएंगे पूरी तरह से तो फिर इसमें हम डालेंगे अजवाइन थोड़ी सी। नमक एज पर टेस्ट, थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्दी 1 पिंच जितनी, ज्यादा नहीं डालेंगे फॉर कलर ऑनली, और ये अपना डालेंगे ऑयल। अब इसको अच्छी तरह से हम पहले मिक्स करेंगे सभी इंग्रेडिएंट को। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, पानी हम ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक डव तैयार करना है हमें इसका। पानी इसमें बिल्कुल धीरे धीरे डालेंगे हम, क्योंकि हमें टाइट डव चाहिए होगा इसका, बिल्कुल पूड़ी की तरह। अगर आपकी डव नरम हो जाता है तो हमें बेलने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए पानी आप बिल्कुल धीरे धीरे डालें। ज्यादा पानी की इसमें हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, आप भी जानते हैं पूड़ी हम गूंथते हैं तो उसमें ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता, बस बाइंड हमें अच्छे से करना होता है। देखिए अभी एक टाइट डो बनके तैयार हो गया है, इसी तरह का टाइट हमें चाहिए होगा, आप देख लीजिए इसको, एकदम टाइट डो है पूड़ी की तरह। ये हमारा डो, हम इसको रेस्ट करने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। देखिए इसमें मेरे को आधे कप से भी कम पानी का यूज हुआ है, पानी बहुत कम लगेगा क्योंकि हमें एक टाइट डो चाहिए। अब हम इसको कुछ देर के लिए ढककर 5 मिनट रेस्ट करने देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारा सेट हो गया है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा हाथों पे ऑयल ग्रीस करके इसको अच्छे से मस लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अभी देखिए थोड़ा सा है तो अच्छा टाइट, लेकिन इसको हमें नरम और मुलायम थोड़ा सा अच्छे से बनाना होगा। बस इसको 1-2 मिनट ही हम करेंगे, ज्यादा हमें नहीं करना है। डो आप देख लीजिए किस तरह का अपना सख्त डो है। अब इसके छोटे छोटे हम बॉल्स बनाएंगे, इस तरह से हम इसके किसी भी साइज के आप 4 डो बना लीजिए, जितना मैंने लिया है उस हिसाब से मैं 4 इसके बॉल्स बना रही हूँ। बॉल्स ऐसे बनाइए क्रैक्स ना रहे, ताकि साइड में भी फिर हमारे क्रैक्स कम आएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे 4 बॉल्स बनके तैयार है। अब हम इसमें से लेंगे अपना 1 बॉल, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे प्लेटफॉर्म पे और जो भी आपने बोर्ड लिया है उसमें, और थोड़ा सा हम अपने बेलन को ग्रीस करेंगे और इसको प्रेस करके अच्छे से एक बड़ा सर्कल, बिल्कुल पतला हम इसको बेलेंगे। देख रहे हैं आप जैसे कि बिल्कुल पतला ये बेलेगा। अगर डो हार्ड होगा तो देखिए उठाने में भी आसानी रहेगी, आप इसको किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। अगर ये पतला होगा तो ये चिपकेगा, इसको हमें बार बार ग्रीस करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए आराम से बेला जा रहा है, बिल्कुल कहीं कोई क्रैक्स नहीं आएगा इसमें। ये देखिए इसकी थिकनेस आप देख लीजिए, बिल्कुल पतला है, ज्यादा मोटा नहीं है ये।
ये देखिए ये हो गया अपना तैयार। अब हम इसको एक पिज्जा कटर से ऐसे लंबे लंबे एकदम स्लाइसेस कट करेंगे। इसको हम चाकू की सहायता से भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से ये आसानी से कट हो जाएगा और उतर भी जाएगा हमारा। बस इसी तरीके से सबसे जरूरी बात इसमें, इसको हमें एक फॉर्क की सहायता से अच्छे से इसमें होल्स करना होगा। अगर हम इसमें ये छेद नहीं करेंगे तो ये फूलेंगे और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये बहुत ही जरूरी है, इसको अच्छे से एक फॉर्क की सहायता से बहुत अच्छे से इसमें हमें छेद करना है। कहीं भी अगर ये छेद रहेंगे तो फिर ये हमारा फूलेगा और खाने में क्रिस्प नहीं आएगा। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे इसको कर रही हूँ। बस इस तरह से ये हो गया। अब इसको एक प्लेट में आप आराम से उठा लीजिए, ये नहीं चिपकेंगे कहीं, कुछ नहीं होगा इसमें। एक साथ इसको आप एक के ऊपर एक भी रखेंगे तो भी ये नहीं चिपकेंगे। बस इसी तरह से आपको बाकी बचे हुए जो हमारे बॉल्स हैं उसको भी इसी तरह से बेलना है और इसी तरह से कट करके एक प्लेट में आपको पहले सारा ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है। ये नहीं चिपकेंगे, तलेंगे तो भी अलग अलग ही रहेंगे हमारे। ये देखिए सारे बिल्कुल तैयार हैं बनकर। अब हमें इसको फ्राई करना है, जिसके लिए हम अपना तेल गरम करेंगे। और देखिए अब मैं एक और अपना बॉल लेकर इसको अच्छे से बेल रही हूँ, बिल्कुल सर्किल में। इसको हम लंबे लंबे ना काट कर बच्चों की पसंद के हिसाब से कोई भी शेप में काट सकते हैं। अगर आपके पास शेप कटर है कोई सा भी, देखिए मेरे पास सर्कल शेप है, इसको हम सर्कल शेप में काट सकते हैं। अगर आपके पास हर्ट शेप है आप हर्ट शेप दे सकते हैं। जो भी आपके पास है उसी शेप में आप इसको काट सकते हैं, क्योंकि बच्चे शेप्स में खाना ज्यादा पसंद करते हैं चीजें। ये देखिए कर लिया हमने इसको पूरा चारों तरफ से इक्वल। अब इसको इस कटर की हेल्प से इस तरह से सर्कल काट लीजिए। आप चाहे तो हम इसको हार्ट शेप भी दे सकते हैं, कोई भी शेप में हम इसको अपना कट कर सकते हैं। शेप्स में बस ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट वही रहेगा, लेकिन बच्चे इसको आराम से और बहुत शौक से खाएंगे। ये देखिए चलिए हमारा तेल गरम हो गया है। मैंने सरसों का तेल काम में लिया है, आप चाहे तो कोई भी तेल अपना ले सकते हैं। मैं ज्यादातर तलने के लिए सरसों का तेल और मूंगफली का तेल लेती हूँ। ये देखिए जैसे ही दाल तेल ये ऊपर आना लगे इसका मतलब हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें एक एक करके इसको आप डाल दीजिए। आप एक दो भी डालेंगे तो भी ये चिपकेंगे नहीं। देखिए कैसे दाल तेल ये ऊपर आ रहे हैं अपने आप, सब अलग अलग हो जाएंगे ये। बस जितने कढ़ाई में आएंगे हम उतने ही डालेंगे, ज्यादा हम एक साथ नहीं डालेंगे। और इसको पलट देंगे, ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में क्योंकि ये बहुत ही पतले हैं। ये देखिए लो मीडियम फ्लेम पे हम गैस रखेंगे, ज्यादा तेज गैस पे नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये जल तो जाएंगे लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेंगे। देखिए आप किस तरह से ये फटाफट अपने गोल्डन होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये तैयार है। बस इसी तरह से हमको हमारे सारे पैचेस तैयार करने हैं। ये देखिए इसका कलर किस तरह से एकदम चेंज होता जा रहा है और एकदम सख्त बनेंगे ये, क्रिस्प जैसे बिल्कुल। ये देखिए ये तलकर तैयार है हमारे। अब इसी तरह हम अपने सारे सर्कल्स और हर्ट शेप जो हमने बनाए थे उसको भी एक बार डाल के तल लेंगे। इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही हमें तलना है, ज्यादा तेज गैस पे हम नहीं पकेंगे, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। लाल तो हो जाएंगे लेकिन क्रिस्प नहीं आएंगे इसमें। इसको इसी तरह से पलटते रहेंगे, गैस एकदम लो होनी चाहिए, झटपट ये बनके तैयार हो जाएंगे हमारे। देखिए ये सभी तरह के हमने निकाल लिए हैं तलकर अपने आराम से।
आप देख सकते हैं कितने अच्छे गोल्डन बने हैं और क्रिस्प भी बने हैं। इसको हम तोड़ के दिखाते हैं आपको, ये देखिए आराम से ये टूट रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बहुत ही अच्छे ये तले हैं, देखिए आराम से ये टूटेंगे। देखिए आप इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर करिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।